ये है येबर ब्रांड की तरफ से K2S फुल HD स्मार्ट प्रोजेक्टर, जो कि अंडर 40,000 के प्राइस सेगमेंट में बहुत तगड़े फीचर्स लेके आता है और कुछ यूनिक चीज है, जैसे कि साउंड बाय JBL विद डॉल्बी ऑडियो, बिल्ट इन हेको टीवी डोंगल जो कि सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी डोंगल है फॉर नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो। दैट मींस इस प्रोजेक्टर में इनबिल्ट आपको वाइड वाइन L1 लाइसेंस मिल रहा है, जिसके साथ आप सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे फुल HD स्ट्रीमिंग कर सकते हो। देन 800 NC लूमेंस की हाई ब्राइटनेस, देन यहाँ पे NFC स्क्रीन कास्ट टैप करो और स्क्रीन कास्ट करो। इनबिल्ट Alexa मिल रहा है, तो अगर आपके पास कोई Alexa डिवाइस है उसके साथ आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। देन ये आपको बता ही दिया, इसके साथ 7000 प्लस Android TV एप्स कंपैटिबल है। और क्या-क्या है चलिए देखते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो सबसे ऊपर है एक ब्रांड किट, इसमें स्माइली के साथ QR कोड, इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करने के लिए, मतलब अपनी बात बता रहे। देन इसका एक क्विक स्टार्ट गाइड जिसकी शायद जरूरत नहीं है। एंड ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पैकेजिंग है किसी बजट प्रोजेक्टर की, वैसे अंडर 40,000 बजट होता है कह सकते हैं। तो इस बॉक्स में आपको एक्सेसरी मिलती है लाइक HDMI केबल, AV कंपोजिट केबल एंड इसका पावर कोड। फिर यहाँ पे एक क्लीनिंग किट मिल रही है प्रोजेक्ट की डस्ट क्लीन करने के लिए, जिसमें स्क्रू ड्राइवर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ और ये दो ब्रश सॉफ्ट, जिसके साथ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि कैसे कैसे करना है, अभी तो जरूरत नहीं है। यार कितने बॉक्स हैं। तो ये है हेको एंड्रॉइड टीवी डोंगल, तो डोंगल इनबिल्ट प्रोजेक्टर के अंदर लगा हुआ है। तो देखो स्टिकर भी निकला कि टीवी डोंगल इज प्री इंस्टॉल्ड इन प्रोजेक्टर, तो वो दिखेगा भी नहीं। तो ये हेको टीवी डोंगल का रिमोट है जिसपे गूगल वॉइस असिस्टेंट की भी है, और इस एसेसरी बॉक्स के अंदर एक रिमोट और था जो येबर प्रोजेक्टर का मेन रिमोट है, जिस पर आपको ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और बाकी सारी चीजें मिल रही है। ये तो सब माल मसाला था, असली किधर है यार, भारी तो है, पता चल रहा है कि कुछ प्रीमियम चीज है। और अपने रिवीलिंग मूवमेंट पे आ गए, नाइस। तो पहले ये सब हटाता हूँ और इस पे आता हूँ। तो टॉप पर येबर की ब्रांडिंग एंड यार इसका लुक एंड फिनिश माइंड ब्लोइंग। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे NFC पॉइंट, कुछ फिजिकल कीज एंड कंप्लीट मैट फिनिश, और इधर भी JBL के स्टीरियो स्पीकर्स है विद डॉल्बी ऑडियो, जिसके ऊपर फैब्रिक है एंड यहाँ पे लिखा है फन टुगेदर एंजॉय टुगेदर। इसका मतलब ये है कि गाना बजाना टाना नाना। देन इसके जस्ट नेक्स्ट मिल रहा है एयर वेंटिलेशन ग्रिल, आउटटेक वाला है, इनटेक रियर पे है जिसको पुश करते ही ये फिल्टर वाला खुल जाता है, और ये रहा इसका बड़ा फिल्टर, साफ कर लेना इसको वीकली। देन यहाँ पे पावर इन पोर्ट, कनेक्टिविटी के लिए एक HDMI, एक USB टाइप सी पोर्ट भी दिया है यार। देन हेडफोन जैक और ऑडियो वीडियो कंपोजिट पोर्ट। तो इनबिल्ट एंड्रॉइड डोंगल तो मिल रहा है, अब ये एक्सटर्नल हो गया, यानी कि दो HDMI पोर्ट है, एक अंदर यूज हो गया एक बाहर है। बॉटम पर टेबल के लिए एक हाइट एडजस्टिंग पॉइंट दिया है, जैसे इसको पुश करोगे ये बाहर आ जाता है, जितना चाहिए वहां पे होल्ड हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए पूरा अंदर। ओके, देन यहाँ पे पुश लिखा है, पर होगा क्या? ओके, तो इधर है अपना हेको मिनी एंड्रॉइड टीवी डोंगल, निकाल के देखे आपने नहीं करना है, तो इसको रिमूव किया और ये आ गया अपना डोंगल। नाइस यार, तो वापस से लगा देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अंदर ही छिपा दिया, देख भी सकते हो। देन यहाँ पे चार ग्रिप पैड्स मिल रही है, एक हटा दी मैंने क्योंकि इसके नीचे ही सीलिंग माउंट का ऑप्शन है। फ्रंट पे आपको दो सेंसर दिख रहे हैं, जिसमें एक है ऑटो कीस्टोन एंड फोकसिंग के लिए और दूसरा है IR रिसीवर। एंड इधर यार मतलब प्रोजेक्टर लेंस पे भी अलग ही चीज दी है, स्क्वायर शेप की कैप। बाय द वे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्लॉसी टच देखने को मिलेगा, जो कि इसको थोड़ा अपीलिंग लुक दे रहा है। एंड जो लास्ट रिंग है वहां पे थोड़ा गोल्डन टच, गोल्डन भाई। तो ओवरऑल लुक, फिनिश एंड बिल्ड टोटली प्रीमियम है, एंड यू विल फील कि अगर इतना खर्च किया है तो बहुत तगड़ी चीज मिल रही है। और इसका वीडियो एंड पिक्चर कितना तगड़ा है वो भी टेस्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टर का सेटअप प्लग एंड प्ले वाला है, जस्ट पावर प्लग किया एंड दैट्स इट। तो अभी ये 14 फीट की दूरी पे रखा है, 120 इंचेस का ये मेरा वॉल स्क्रीन है। एंड लुक एट दिस यार, इतनी लाइटिंग के बाद भी इतना हैवी ब्राइटनेस, एंड यू नो इसमें 800 NC लूमेंस का ब्राइटनेस मिल रहा है, दैट्स व्हाई लाइटिंग का भी इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एंड इट लुक्स लाइक अ ब्राइट टीवी। तो पावर ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का UI मिलता है, जिसमें सबसे पहले एंड्रॉइड टीवी। तो इस प्रोजेक्टर में इनबिल्ट आपको ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी डोंगल मिल रहा है, जिसका दूसरा रिमोट ये है। बाय द वे जो प्रोजेक्टर का रिमोट है उससे भी आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। बस सेकेंडरी रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट का की मिल जाता है, ओपन YouTube एंड हियर इट इज, इसने डायरेक्टली YouTube ओपन कर दिया। या आप डिफरेंट कमांड्स लाइक वॉल्यूम अप एंड डाउन या फिर कुछ भी प्ले या सर्च करना है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ कर सकते हो। और हाँ, जो इसके अंदर आपको टीवी डोंगल मिल रहा है वो है हेको मिनी, 2GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड है, यानी कि आप प्राइम, नेटफ्लिक्स, जो चाहे सब कुछ फुल HD स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी एट 60Hz के रिफ्रेश रेट पे। तो अभी हमने प्राइम वीडियो को लॉगिन कर लिया, एक बार प्ले करके देखते हैं कि फुल HD में प्ले होता भी है नहीं। एंड यू कैन सी कि कॉर्नर में डायरेक्ट HD रिजोल्यूशन आ चुका है, दैट मींस इस प्रोजेक्टर में आपको वाइड वाइन L1 लाइसेंस मिल रहा है, जो कि हर प्रोजेक्टर में कमी हो रही थी, बट यहाँ पे सब कुछ पूरा हो जाएगा। एंड यार मैं तो
इसकी पिक्चर क्वालिटी एंड ब्राइटनेस को देख के पागल हो रहा हूँ कि दोनों साइड मैंने लाइटें ऑन की हुई है, स्टिल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर और बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन दिख रही है, वो भी 120 इंचेस की। वैसे मैक्सिमम ये 200 इंचेस तक की स्क्रीन पे जा सकता है। एंड यूट्यूब पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 4K का सपोर्ट मिल जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि जो डायनेमिक रेंज है वो काफी हाई है, कॉन्ट्रास्ट रेशो भी आपको बहुत अमेजिंग मिल रहा है, ब्लैक्स एकदम डीप ब्लैक आ रहे हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, शार्पनेस। इस प्रोजेक्टर पे आपको कॉर्नर ब्लर बिल्कुल नाव के बराबर मिलते हैं। एंड अगर आप इसको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रख दोगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो आपको कहीं से कहीं तक भी कोई शार्पनेस का इशू नहीं आएगा। एंड यार इसका कॉन्ट्रास्ट रेशो देखो तुम, ब्लैक्स किस तरीके से डीप ब्लैक दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन भी मिल रहा है जिसमें काफी सारी चीजें आप ट्विक कर सकते हो, लाइक इमेज मोड। तो यहाँ पे यूजर मोड भी आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस एंड ह्यू, ये सारी चीजें ट्विक कर सकते हो। अदरवाइज स्टैंडर्ड, विविड एंड नेचुरल मोड मिल रहा है। तो विविड वन ऑफ द फेवरेट है जिसमें आपको काफी ज्यादा ब्राइटनेस के साथ पंची कलर्स मिलते हैं। एंड एक और चीज, अभी आप जो ब्राइटनेस देख रहे हो ये सिर्फ 60% है क्योंकि इसमें आपको मिलती है वेरिएबल ब्राइटनेस। तो अभी मैं 100 करने वाला हूँ एंड 100 करने के बाद ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड ये वाली ब्राइटनेस प्रोजेक्टर लैंप की है, ना कि LCD डिस्प्ले की, जिसकी वजह से जो कलर्स है या फिर कॉन्ट्रास्ट है उस पर कोई फर्क नहीं आता, बस आपका पिक्चर का एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग हो जाता है। एंड यार क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और जो लोग क्रिकेट के शौकीन है उनको तो अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। अभी 120 इंच की स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। एंड थैंक्स टू दी प्लेटफॉर्म्स एज वेल कि अब फुल HD में एटलीस्ट स्ट्रीमिंग होती है। तो घर में जब इतने बड़े बड़े स्क्रीन पे बड़े बड़े चौके छक्के लगेंगे तो मजा अलग ही आएगा। तो एंड्रॉइड टीवी देख चुके हैं, देन यहाँ पे आपको HDMI का ऑप्शन मिलता है, सिंगल HDMI पोर्ट है, कोई भी आप फायर टीवी स्टिक या जो चलाना चाहते हो चला सकते हो। देन NFC स्क्रीन कास्ट, काफी अमेजिंग फीचर है, अगर आपके फोन में NFC है जस्ट टैप करो और आपके फोन की स्क्रीन इस पे कास्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे ऑडियो वीडियो कंपोजिट पोर्ट के लिए AV, फाइल मैनेजर आपकी USB पेन ड्राइव या फिर टाइप सी पेन ड्राइव के लिए, एंड डॉक्यूमेंट अगर आप डायरेक्टली यहीं पे रन करना चाह रहे हो, यानी कि वर्ड, MS Excel, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद कस्टमाइजेशन के लिए काफी सारी थीम्स मिल रही है। तो अभी हमारा ये फोटो लगा हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, बट वही कूल लग रहा है, थोड़ा फील दे रहा है। देन अगर सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाईफाई, फिर यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल रहा है। देन यहाँ पे जैसे ही सेटिंग्स में जाओगे तो सबसे पहले वाईफाई, तो ये सपोर्ट करता है अप टू वाईफाई 6। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल रहा है आपके होम थिएटर हेडफोन्स या जो चाहे आप यूज करना चाहो। तो फिर सिग्नल सोर्स में यहाँ पे आप डायरेक्टली जो ऑप्शन चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। देन बूट सोर्स में, यानी कि ऑन होने के बाद आपको क्या चाहिए, होम स्क्रीन तो लोकल, एंड्रॉइड टीवी, HDMI, AV। तो अभी अपने को HDMI नहीं चाहिए, एंड्रॉइड टीवी चाहिए क्योंकि इनबिल्ट ही सब कुछ मिल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है HDMI CEC स्विच, यानी कि अगर आप अपने एंड्रॉइड टीवी डोंगल का रिमोट नहीं यूज करना चाहते, आपने करना है मेन प्रोजेक्टर का रिमोट यूज, तो इसको ऑन करके रखो, फिर इस दूसरे रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पे सोर्स प्लग एंड प्ले, दैट मींस अगर आपने कोई फायर टीवी स्टिक या एंड्रॉइड बॉक्स एक्सटर्नली लगाया है तो डायरेक्टली वो डिटेक्ट करके वहीं पे पहुंच जाता है, यानी कि आपने रिमोट उठाना है और फिर सेलेक्ट करना है। तो अगर ऑन रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऑफ रखोगे तो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे प्रोजेक्शन मोड मिल जाते हैं, अभी मैंने यहाँ पे फ्रंट पे रखा हुआ है तो एज इट इज, फिर रियर टेबल पे स्क्रीन फ्लिप हो जाएगी। एंड ये कर दिया इसने ऑटोमेटिक फोकसिंग विद ऑटोमेटिक कीस्टोन करेक्शन। ऑल्दो आपके रिमोट पे फोकस एंड कीस्टोन दोनों की दी हुई है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे प्रोजेक्शन मोड या फिर प्रोजेक्टर की पोजीशनिंग चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक कीस्टोन एंड फोकसिंग करेगा। तो मुझसे गलती से रिमोट का पावर बटन दब गया और ये दोबारा ऑन किया है तो उल्टी स्क्रीन चल रही है। तो लास्ट टाइम हमने बूट सोर्स एंड्रॉइड टीवी सेलेक्ट किया था, ये डायरेक्टली एंड्रॉइड टीवी पे चला गया, लेकिन सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन मोड सही करना है और ये हो गया। तो होम स्क्रीन पे चलते हैं, देन यहाँ पे पिक्चर कस्टमाइजेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर आते हैं साउंड पे। तो इसमें मिल रहा है आपको साउंड बाय JBL विद डॉल्बी ऑडियो, जिसमें 3-4 साउंड मोड मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड पे भी एकदम बूम बाम टाइप की बेस आती है। एंड यहाँ पे जो स्पीकर्स है वो 10 वोट के डुअल JBL स्पीकर्स है। देन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स दी हुई हैं जिसमें एक सराउंड मोड, काफी कूल चीज है, हल्का सा 3D इफेक्ट आ जाता है। एंड साउंड आउटपुट मोड में आप ऑटो, PCM या रो सेलेक्ट कर सकते हो। PCM पे हर डिवाइस के साथ ये कंपेटेबल रहता है, बाकी जनरल एंड अबाउट में नॉर्मल चीजें हैं तो कुछ साउंड सैंपल तो हो जाए। यार एक चीज है, मतलब पूरा साउंड बार वाला फील दे रहा है, कोई एक्सटर्नल स्पीकर या फिर होम थिएटर की जरूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है, या फिर अगर आप इसको आउटडोर में प्ले करना चाहते हो आपका दिल खुश हो जाएगा। एंड रेफरेंस के लिए, अगर आपने JBL Extreme 3 ट्राई किया है तो वो सेम टाइप की लाउडनेस, बेस और ऑडियो क्वालिटी इस पे मिल रहा है। एंड यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इस पे लिखा हुआ था साउंड बाय JBL, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना पावरफुल होगा, बट दिस इज लिटरली माइंड बोगलिंग, मजा आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो क्वाइट मोड मिल रहा है, इसकी फैन की
स्पीड वैसे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही इवन 100% वॉल्यूम पे, लेकिन अगर आप इसको क्वाइट मोड पे डाल दोगे तो ब्राइटनेस हल्की सी कम हो जाएगी एंड फैन की स्पीड हो जाएगी बिल्कुल नेग्लिजिबल। देन नेक्स्ट फीचर ब्लूटूथ स्पीकर का मिल जाता है, आप इसको एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज कर सकते हो क्योंकि JBL के स्पीकर्स है तो डेफिनेटली स्पीकर का ये काम करेगा। एंड्रॉइड एंड iOS मिररिंग भी इसके अंदर है, ट्राई करके देखें। तो मैंने इसके साथ अपना फोन कनेक्ट कर लिया और काफी लो लेटेंसी पे काम कर रहा है एंड क्वालिटी भी फुल HD आ रही है, मतलब यहाँ पे कोई क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। एंड यहाँ पे कुछ मेरे ही क्लिप पड़े हैं। सारा नहीं बताना, अपकमिंग शॉट है देख लेना। तो मतलब जो फोन की कास्टिंग है वो भी स्मूथ है एंड लैग फ्री काम करती है। देन ऊपर की साइड आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, ब्लूटूथ वाईफाई डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, देन सेटिंग्स जो साइड में आपको दिखती है। एंड ये क्या है, तो ये प्रोजेक्टर एलेक्सा कंपेटेबल है। तो सिंपली आपने जो एलेक्सा अकाउंट यूज कर रहे हो यहाँ पे देना है, डिवाइस का नेम जो भी रखना चाहो रखना है, मैंने टीवी रखा है क्योंकि स्क्रीन का नाम मैंने प्रोजेक्टर स्क्रीन रखा होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। थिंग्स टू ट्राई क्या क्या कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे है, लाइक आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, नेटफ्लिक्स यूट्यूब व्हाटएवर जो रन करना चाहे, फोकस डीफोकस ब्लूटूथ नेटवर्क सेटिंग, ये सारी चीजें आपके सामने है, खुद पढ़ लो पॉज करके यार। तो देखो ये कैसे काम करता है, मैं एलेक्सा यूज करता हूँ, एलेक्सा टर्न ऑफ टीवी एंड यहाँ पे इसने पावर ऑफ पे डाल दिया, इसको विद इन 10 सेकंड ये ऑफ हो जाएगा। एलेक्सा फोकस टीवी, तो इसने ऑटोमेटिक फोकसिंग स्टार्ट कर दी है यार। इस प्रोजेक्टर में क्या नहीं है, एलेक्सा कंपेटेबल भी है, एंड्रॉइड टीवी मिल रहा है, गूगल का वॉइस असिस्टेंट भी है, JBL का साउंड है, डॉल्बी ऑडियो है और इतनी तगड़ी ब्राइटनेस के साथ बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी है, और क्या ही चाहिए। एंड वैसे तो काफी बेसिक सी चीज है लेकिन काफी बार लोग पूछते हैं कि प्ले स्टोर है एंड आप अप टू यहां पे 7000 प्लस एप्स डाउनलोड कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने अभी तक एंड्रॉइड टीवी यूज किया है वही सेम एक्सपीरियंस आपको प्रोजेक्टर पे मिलने वाला है, बस बड़ी स्क्रीन होगी बहुत बड़ी। एंड ये सब कुछ आपको मिल रहा है अंडर 40,000 की प्राइसिंग पे विद 1 ईयर वारंटी, जिसमें आपको डोर पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मिल रही है, कंप्लीटली हैसल फ्री एक्सपीरियंस है। एंड एयरबर के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है एक बार गूगल सर्च करके देखो, देन यू विल गेट टू नो, बड़ी ब्रांड है। मुझे भी इस प्रोडक्ट से पहले नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च की एंड इस प्रोडक्ट को चेकआउट किया, दिस इज रियली अमेजिंग। एंड अगर आपका बजट 40,000 तक जाता है तो 40,000 में ये बेस्ट पिक है, जो आपको ऑडियो वीडियो ऑफिशियल एंड्रॉइड एलेक्सा कंपेटिबिलिटी एंड JBL का साउंड यार, एंड ये सब कुछ विदाउट एनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। तो मेरा 100% रिकमेंडेशन, अगर आप 40,000 के बजट में कोई प्रोजेक्टर ऑप्ट करना चाह रहे हो, देन गो विद येबर K2S फुल HD स्मार्ट प्रोजेक्टर। एंड इसका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।